दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जो भी बातें बोल रही हूँ अपने खुद के मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और मैंने आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ ऑब्ज़र्व की। बहुत पहले से ये चीज़ें दिमाग में थी मेरे, मुझे लगता था कि इसके बारे में भी आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एक इंसान के मुँह से निकली हुई बात शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो मैं अपने चैनल पर यही चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी बातें निकल रही हों वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं जो एकदम सडन होती हैं, जिसका कोई कुछ नहीं कह सकता है कब किसके साथ कौन सी इमरजेंसी आ जाए, तो ये वीडियो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और आज बात करूँगी हार्ट अटैक के बारे में। जी हाँ, हार्ट अटैक आप लोगों को पता है कि क्या होता है, फिर भी एक बैक थोड़ा सा उसके पीछे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दूँ। जब भी आपको ऐसा लगे, मतलब अराउंड, मैं थोड़े बड़े लोगों की भी बात कर रही हूँ लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप तक ये अवेयरनेस पहुँचे। तो अगर आपको किसी तरह का पेन हो, मे बी आपके चेस्ट में, सॉरी, अगर आपको ये, मेरा फ्रंट कैमरा है इसलिए आपको ये राइट साइड में दिख रहा है, बट आप अपने हिसाब से समझ लेना कि आपका जो लेफ्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। आपके चेस्ट पे थोड़ा सा पेन होगा और मे बी ये ज़्यादा भी हो सकता है, और आपके हाथ से लेके ये सारी चीज़ें जैसे चुभने चुभने जैसी दर्द होंगी, जैसे कि आपको ऐसे लगेगा कि चुभन वाली जो दर्द यहाँ से शुरू होके और ये पूरे चेस्ट तक होगा और मे बी ये बैक साइड तक भी होगा, और ये इसका पहला साइन है। और आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है, आप मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूस स्वेटिंग होगी और ये स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। उस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो आप ज़रूर करना, आपको बहुत ज़ोर से खांसना है, अपनी पूरी ताकत लगा के खांसना है। जी हाँ, आप सोचोगे कि खांसने का इससे क्या लॉजिक है, इसके पीछे 100% एक लॉजिक है। आपके आर्टरी जो होती है, जितने भी वेंस और आर्टरीज जो कि कनेक्टेड है आपके हार्ट से, वो होती क्या है कि अगर किसी तरह का भी ब्लॉकेज होता है, अगर आपका ब्लड सप्लाई है वो हार्ट तक नहीं जा रहा है या फिर कुछ ब्लॉकेज आती है आपके नसे में, तो आपको करना क्या है उस वक्त कि जिस समय आप ज़ोर से खांसते हैं, होता क्या है कि वो जो ब्लॉकेज है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और वो जो पाइप होती है, जो आर्टरी होती है, वो क्लियर हो जाती है और आपको एटलीस्ट हॉस्पिटल जाने तक या फिर आपके पास कुछ वक्त मिल जाता है अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही काम की लगी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर बहुत ज़रूरी है करना। तो अगर आपके आस पास आपके जितने भी लोग हैं, जो भी है, अगर आप चाहो तो आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मे बी किसी की जान बच जाए और आपको दुआएं मिले। तो हो सके तो आप इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी अगर आप चाहते हैं, देखिए हम लोग बहुत सारे जोक्स फॉरवर्ड कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ मे बी उसका मेमोरी भर रहा होगा या नहीं भर रहा होगा। गुड मॉर्निंग के हज़ारों मैसेजेस आपको मिलेंगे लेकिन काम के मैसेजेस या काम के वीडियोज़ आप लोग बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 डू फॉरवर्ड। आपको उस वक्त सिर्फ खांसना है और इतने ज़ोर से खांसना है ताकि आपको कुछ वक्त मिल जाए रिकवरी की। और आपको पता है कि टाइम कितना प्रीशियस होता है, एक एक मिनट आप किसी का बचा सकते हैं, आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो फॉर माई सेक, फॉर एवरीबडी सेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।